हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय की मरम्मत में चल रहे निर्माण कार्य में बच्चों के स्कूल में बच्चों से काम करवाने का मामला सामने आया है। स्कूल के बच्चों से काम कराने की तस्वीर सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला मुझे तो यहाँ पे बताया, मुझे वीडियो फुटेज दिखाई, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी यहाँ पे मुझे वीडियो फुटेज दिखाई, मुझे बताया गया वहाँ पर कुछ बच्चे लेबर ग्रुप में काम कर रहे थे, देखा मैंने और सब कुछ दिखाई, लेकिन ये कि यहाँ पर नहीं होगा। मैं अभी तत्काल घटना अधिकारी यहाँ के आदेश करता हूँ, वो जाके इसकी आख्या देंगे, जैसे उसकी आख्या करवाई। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इनमें बेसिक शिक्षा विभाग के एक स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा है। इसी मरम्मत के काम में बच्चे सीढ़ी पर चढ़कर सामान पहुंचाते और ऊपर से कूदा फांदी करते हुए छत से साफ नजर आते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही की तस्वीरें संडीला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुन्नूखेड़ा गाँव की है। दरअसल मुन्नूखेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में छत की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यहां के प्राध्यापक पर आरोप है कि स्कूल के समय निर्माण कार्य के दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों से निर्माण सामग्री की ढुलाई करवाई। बच्चों से मजदूरी कराने की यह मंगलवार की तस्वीर सामने आने के बाद बदहाल बेसिक शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हरदोई से लवी खान के साथ संडीला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।